हेलो डियर यूट्यूब फ्रेंड्स, टाटा का न्यू बॉम्ब। पिछले काफी दिनों से चर्चा है कि टाटा मोटर्स फोर्ड के सानंद स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खरीद सकती है। यह प्लांट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन क्षमता 2.4 लाख यूनिट प्रति वर्ष है। टाटा मोटर्स की गाड़ियों की बिक्री लगातार बढ़ रही है, ऐसे में अब कंपनी की योजना प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने की है। प्रोडक्शन बढ़ने से सेमीकंडक्टर कमी के चलते डिलीवरी मिलने में टाटा ग्राहकों को हो रही परेशानी काफी हद तक दूर हो जाएगी। ऑटोकर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा मोटर्स अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाते हुए एक साल में 5 लाख कारों का निर्माण करेगी। कंपनी वित्त वर्ष 22-23 के पहले कुछ महीनों में हर महीने लगभग 40,000 कारों की बिक्री का टारगेट बना रही है। इसकी योजना बाद में यह आंकड़ा 50,000 यूनिट तक पहुंचाने की है। कंपनी 2022 में मौजूदा मॉडल के नए वेरिएंट और फेसलिफ्ट भी लॉन्च करेगी। नेक्सॉन इलेक्ट्रिक का भी बढ़ेगा प्रोडक्शन। टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा फोकस नेक्सॉन, अल्ट्रोज और पंच की बिक्री पर कर रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टाटा मोटर्स ने सप्लायर्स को हर महीने 15,000 नेक्सॉन की बिक्री के लिए तैयार रहने को कहा है। पेट्रोल डीजल के अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक नेक्सॉन की प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने जा रही है। कंपनी हर महीने लगभग 3,000 इलेक्ट्रिक नेक्सॉन का उत्पादन कर सकती है। कंपनी साल 2022-23 की पहली तिमाही में लंबी रेंज वाली नेक्सॉन एव भी लॉन्च करेगी। नए मॉडल से नेक्सॉन एव की मांग में और इजाफा होने की उम्मीद है।